सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। अहं श्यामदेव मिश्रः। अद्य आरभ्य पुनः एकवारं पाठः आरभ्यते सूर्यसिद्धान्तस्य। मित्राणि मध्ये प्रत्यवायः आगतः आसीत्। पुनः पाठस्य आरम्भः विधीयते मया। नूतनं गृहं वर्तते, अतः सर्वमपि सेटिंग इत्यादिकं सर्वं नूतनमेव। मित्राणि, तद्दिने सौर नक्षत्र दिनानां चर्चा विहिता अस्माभिः। तत्र तदपि यत् अभाषि ग्रंथकारेण कि त्रमहोरात्र प्रकीर्तितं तत्त्रिंशता भवेन्मासः सावनोर्कोदयैस्तथा। अत्र इदमपि मया अभाषि यत् नक्षत्र दिनस्य मानं कथम् अस्माभिः निर्धारणीयं, केन प्रकारेण निर्णीतं नक्षत्रदिनस्य मानं, कि नक्षत्रदिनं कथम् अस्माभिः निर्णेतव्यं, किञ्च सौरदिनं सावनदिनं वा। तत्र तदपि उक्तं यत् यथा सूर्योदयद्वयान्तर्गतवर्ती कालः एकं सावनदिनं भवति, तथैव नक्षत्रोदयद्वयान्तर्गतवर्ती कालः एकं नाक्षत्रं दिनमिति। तत्तु नाक्षत्रं दिनं यद्वर्तते तत् मध्यममानेन षष्टिघट्यात्मकं, न तु स्पष्टमानेन, यतोहि स्पष्टमानेन तत् किञ्चित् ऊर्ध्वं भवति। यदि 24 घंटा समतुल्यं षष्टिघट्यात्मकम् अस्माभिः स्वीक्रियते चेत् आधुनिकमानेन 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, एतावत् स्पष्टं नाक्षत्रमानं नाक्षत्रदिनस्य मानं भवति। पुनः अग्रे यदा तथा पुनः अग्रे वदति कि ऐन्दवस्थितिभिस्तद्वत् संक्रांत्या सौर उच्यते, मासैर्द्वादशभिर्वर्षं दिव्यं तदः उच्यते। नाम कि ऐन्दवः तिथिभिः तद्वत्, तद्वत् अर्थात् पुनः अत्र शंका कि तिथिभिः ऐन्दवः तद्वत्। अत्र पश्यन्तु किं तद्वत् तिथिभिः दिनं तु न भवितुम् अर्हति, यतो हि तिथिभिः नाम तिथिः अर्थात् यदि तिथि शब्देन संख्यायाः ग्रहणं भवति चेत् त्रिंशत् तिथयः भवन्ति। किञ्च सामान्यतया यदि अस्माभिः स्वीक्रियते चेत् तदपि तिथिभिः ऐन्दवं दिनम् उत मासः इति, तर्हि तत्र पूर्वप्रसङ्गात् स्वीकरणीयं। कथमिति चेत् पूर्वप्रसङ्गे किम् उक्तं कि तत्त्रिंशता भवेन्मासः, तथैव तत्त्रिंशता नाम तत् सावनदिनं, तेषां सावनदिनानां त्रिंशता 30 सावनदिनोके द्वारा, त्रिंशद्भिः सावनदिनैः एकः सावनो मासो विज्ञेयः, तथैव तिथिभिः अर्थात् त्रिंशद्भिः तिथिभिः एकः चान्द्रः मासः विज्ञेयः इति भावः, कि 30 तिथियों के द्वारा एक चान्द्रमास होता है। अब यहाँ दिन का की शंका नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो अब उसी तिथि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि टीकाकार, तद्वदिति नाक्षत्रः सावनश्च यथा भवति तथैव, यथा सावनः मासः भवति
तथैव किञ्च नाक्षत्रः मासः भवति, नाक्षत्रः मासः कथं भवति, तर्हि त्रिंशद्भिः नाक्षत्रदिनैः एकः नाक्षत्रः मासः, कि 30 नाक्षत्रदिनों के द्वारा एक नाक्षत्र मास होता है। तो उसी प्रकार से 30 सावन दिनों के द्वारा एक सावन मास होता है, उसी प्रकार से 30 चांद्र दिनों के द्वारा एक चांद्र मास होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो तिथि भी शुक्ल पक्ष पक्षीय प्रतिपदमारभ्य दर्शांता वधिका वधिकाभिस्त्रिंशत् संख्यकाभिः इति तिथि भी इत्यस्य अर्थः व्यधाय। क्या अर्थ किया इसका, कि तिथि भी अर्थात शुक्ल पक्षीय प्रतिपदम आरभ्य शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दर्शांतावधिकाभिः दर्शांत अवधि तक, दर्शः सूर्येन्दु संगमः, दर्शः अर्थात अमावास्या, तो अमावास्या तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके अमावास्या तक जो 30 संख्या त्रिंशत संख्या का भी 30 संख्याओं के द्वारा जो होती हैं ऐसी जो तिथियां हैं, तो तिथि का क्या व्याख्यात किया, तिथि इति कथनेन शुक्ल पक्षीय प्रतिपदमारभ्य दर्शांतावधिकाभिः त्रिंशत संख्यकाभिः, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके दर्शांत तक अमावास्या तक जो 30 तिथियां होती हैं उन 30 जो 30 संख्या में होती हैं ऐसी जो 30 संख्यात्मक 30 संख्या वाली तिथियां उनके द्वारा ऐंदवः चांद्रो मासो भवति। ऐंदवः अर्थात चांद्रः, इंदो तब जैसे चंद्रस्य इदं चांद्रम, चंद्रमा का जो होगा वो चांद्र हो जाएगा, तो इंदु यानी चंद्रमा, इंदु का यानी कि चंद्रमा का जो मास है वो चांद्र मास हो जाएगा। अत्र यदुक्तं भवे तिथिभिः इति तत् का नाम कियन्मिता च तिथिः, किसे कहते हैं और वह कितनी बड़ी होती है, इति उच्यते। तो तिथिर नाम चांद्रम दिनम, तिथि अर्थात चांद्र दिन, ठीक, तिथि नाम चांद्रम दिनम। अब देखिए तिथि नाम चांद्रम दिनम इति कथनेन पुनः अग्रे गच्छामः तदनु अस्य विवेचना विधीयते। तत्तु तत् अर्थात तच्चांद्र दिनम तु सूर्याचंद्रमसोः प्रतिद्वादश भागमितांतरेण तुल्यं भवति, कि सूर्य और चंद्रमा के प्रत्येक द्वादश अंशात्मक अंतर के द्वारा होता है, ठीक, सूर्याचंद्रमसोः रविचंद्रयोः प्रतिद्वादश भागम, प्रतिद्वादश प्रत्येक द्वादश भाग यानी अंश, यहाँ भाग का अर्थ अंश और अंश का मतलब क्या हो जाएगा, अंश का मतलब वही सम, अंश का मतलब हिस्सा नहीं समझना है यहाँ पे, अंश जो है वह मापन की एक इकाई है जो कि वर्तुलाकार मापन पद्धति में प्रयोग की जाती है। जिस प्रकार से वृत्त के हम एक जब हम 360 टुकड़े करते हैं तो वृत्तस्य यदा षष्ट्यधिक त्रिशतात्मकम विभागाः विधीयन्ते तदा एकैको विभागः एकैकांशात्मकः, एक एक अंश का एक एक विभाग होता है, ठीक। तो अत्र सः एव विभागः अभिप्रेतः अभाग इति नामना इति संज्ञया। तो जब ये कहा कि प्रति द्वादश भाग, तो यहाँ प्रति द्वादश भाग का मतलब कि प्रति द्वादश अंश मितांतरेण मितम प्रमितम यानी द्वादश के अंश के तुल्य, द्वादश अंश के तुल्य अंतरेण तुल्यं भवति, प्रत्येक द्वादश अंश के अंतर के तुल्य एक तिथि होती है। किसके द्वादश अंश के अंतर के तुल्य होती है, तो सूर्या चंद्रमसो हो रवि और चंद्रमा के बीच में प्रत्येक द्वादश अंश का अंतर जब होता है तो उसे ही हम तिथि कहते हैं, ठीक। अब आगे इस बात को और खोलते हैं, क्या कहते हैं कि यतश्चंद्रार्कयोः युतिकालात्, कि चंद्रमा और सूर्य की युति कब होती है, तो चंद्र सूर्ययोः युतिर्भवति अमायाम अमावास्यायाम रविचंद्रौ
एकस्मिन्नेव राश्यं शकला विकलायाम एकस्यामेव राश्यादिके एकस्मिन्नेव राश्यादिके या राश्यंशात्मके भवतः। अत्र यदि चंद्रः अत्र सूर्यः तर्हि अत्रैव चंद्रः, अथवा एवं अवगच्छतु कि अत्र सूर्यः तर्हि अत्रैव चंद्रः। अवगतं खलु? सामने सामने एकदम ऐसे ऐसे सामने सामने होते हैं, और फिर यहाँ से ऐसे चलना आरंभ करेगा एक, और ऐसे घूमते 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 और फिर इसके सामने आ गया ऐसे। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? तो यह जो इसका आगे इसकी व्याख्या होगी, तो इन्होंने ये बोला कि तब इसका मतलब, इसको और भी आसानी से समझें तो कैसे समझेंगे, इसको आसानी से समझें तो ऐसे समझेंगे कि ये मान लीजिए एक रेखा है, एक वृत्त का हिस्सा है, तो इस वृत्त के हिस्से में इसी में सूर्य भी और इसी में चंद्रमा दोनों एक ही साथ दिखेंगे। इसलिए अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमको एक ही का दर्शन होगा, या तो चंद्रमा का दर्शन होगा या सूर्य का दर्शन होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? यही कहलाता है, यानी हम एक सीधी रेखा में जब देखें तो हमको चंद्रमा और सूर्य ऐसे ऐसे दिखें। ठीक, इसे ही हम क्या बोलेंगे, दर्श की स्थिति, अमावस्या की स्थिति। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं कि यतश्चंद्रार्कयोः युतिकालात्, चंद्रमा और सूर्य की युति के काल से दर्शांतात्, अन्य युति काल जो दूसरी युति होगी दर्शांतम, तो उसको फिर क्या बोले, जो अन्य युति काल हुआ वो भी दर्शांत हुआ, तो दर्श दर्शांतात दर्शांतम यावत। दर्श किसे कहा? दर्श कहा अमा सूर्य और चंद्रमा दोनों के, यदा रविचंद्रौ एकस्यामेव राश्यांशात्मके भवतः तदा सा स्थिति ही दर्श दर्श कालिकी स्थिति ही भवति। पुनः यदा तयोः युति ही भवति, पुनः तदनु अग्रिमा युति ही पुनः कदा भवति, त्रिंशत् दिनानंतरम। अरे भाई, अमावस्या से अमावस्या 30 तिथि के बाद ही तो आती है, उसके पहले थोड़े ही आती है, तो उसके बीच में 30 तिथियां बीत जाती हैं। तो जब 30 तिथियां बीत जाती हैं तो उसी को उन्होंने कहा कि यतश्चंद्रार्कयोः युतिकालात् अन्य युतिकाल पर्यन्तम् अंतरांशम भांश युक्ताः भवन्ति, इसके बीच में 30 तिथियां हो जाती हैं, त्रिंशत तिथि भी तिथि भुक्ता भवन्ति, 30 तिथियों का भोग हो जाता है इस बीच में। त्रिंशत तिथि, जितने देर में 360 अंश का अंतर होता है उतने देर में 30, ये देखिए मिल गया, अब इसको देख लीजिए, ये है, अब इसको मैं पहले ऐसे दिखाता हूँ फिर इसको मैं सीधे करके दिखाऊंगा। ये एक मणि एक सूत्र में देखिए, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया सूर्य, और इसको अब हम क्या करेंगे, तो ये युति ऐसे तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं ऐसे कर दूँ तो अब समझ में आने लगेगी। ठीक है ना, कि ये मान, तो ये एक ही सीध में ये एक युति कहलाई, इसे हम क्या बोलते हैं, एक सीध में हो जाना, जिसमें एक को देखें तो दूसरा हमें न दिखे, यही युति कहलाती है। तो यह जो स्थिति है यह कब आएगी, तो रेखा गणित के सामान्य जानकार इस बात को जानते हैं, या रेखा गणित का हर व्यक्ति यह बात जानता है कि हम मान लीजिए यहाँ कोई पिंड है, तो इस पिंड के साथ यहाँ संयोग हुआ, और फिर इसके साथ संयोग कब होगा, जब ऐसे घूमते 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 आए और फिर यहाँ आ जाएं, तो ये संयोग हो जाएगा। तो यह जो एक वृत्ताकार चक्कर लगा, इस चक्कर को हम क्या बोलेंगे, इसमें कितना अंश तय हुआ, इसमें 360 अंश तय हो गया, यहाँ से चले और ये होते हुए 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और फिर 360 अंश। तो यह एक बार युति हुई और फिर इसके बाद यहाँ दूसरी बार युति हो जाएगी, यहाँ एक बार युति हुई दूसरी बार ऐसे युति हो जाएगी। ठीक, ऐसी युति होगी यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे यहाँ ऐसे युति हुई। ठीक, इधर युति हुई और फिर इधर युति हुई। तो यह जो युति हो रही, अब इसमें एक को हमको क्या मानना है, एक को सूर्य मानना है, एक को चंद्रमा मानना है। ठीक, तो होता क्या है, होता ये है कि यह जो सूर्य है ये एक दिन में कितना चलता है, एक दिन में सूर्य की गति एक अंश है,
ठीक। तो अगर हमने ये कहा कि यह एक वृत्त है, तो इस वृत्त में जब ये 360 अंश का वृत्त हुआ तो इसमें एक अंश कितना होगा? एक अंश तो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो इस एक अंश को हम मान लीजिए यहाँ कर देते हैं, ठीक, यहाँ एक अंश हुआ। तो जितने देर में सूर्य एक अंश गमन करता है, उतने देर में चंद्रमा कितना चलता है? इस युति से, दोनों की यहाँ युति हुई, और इस युति से जितने देर में ये सूर्य एक अंश चला, उतने देर में चंद्रमा लगभग 13 अंश चल देता है, हैं? तो इनके बीच में इतना का लगभग अंतर हो जाता है, हैं? वहाँ पहुँच जाएगा ये चंद्रमा। तो यह जो 13 अंश का अंतर हुआ, ये इसको हम कैसे जाने? 13 अंश, एक अंश सूर्य का, 13 अंश चंद्रमा का। तो 13 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 अंश, ठीक। वही 12 अंश के अंतर को कह रहे हैं एक तिथि, ठीक। सूर्य का एक अंश चलना और चंद्रमा का इस युति से 12 अंश चल लेना, तो यह जो इनके बीच का अंतर हुआ एक अंश का, और यहाँ से ये 13 अंश चल गया, इनके बीच का यह 12 अंश का जो अंतर है, इसी 12 अंश के अंतर को हम एक तिथि कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य और चंद्रमा अपनी गति से चलते हैं, हमारे लिए तिथि का बोध कैसे होगा? तो हमारे लिए तिथि का बोध ऐसे होगा कि सूर्य अगर मान लीजिए मेष राशि के एक अंश, मेष राशि से चलना आरंभ किया, तो सूर्य मेष राशि के एक अंश पे जब तक पहुँचेगा, तब तक चंद्रमा उसी मेष राशि के 13 अंश पे पहुँच जाएगा। जितने देर में सूर्य एक अंश चला, उतने देर में चंद्रमा 13 अंश चल गया। तो यह जो इन दोनों के बीच का अंतर है, यह अंतर जितने समय में होगा उतने समय को ही हम एक तिथि कहते हैं। अब इस बात को कि इन 12 अंश, तो इसका तो यह बात लग गई, पंक्ति लगी कि सूर्य और प्रति सूर्य चंद्रमशो हो प्रति द्वादश भाग मितांतरेण तुल्यम, ठीक, भवति चांद दिनम, कि जो चांद दिन है जिसे कि हमने तिथि कहा है, वह जो तिथि अर्थात चांद दिन, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब 12 अंश का अंतर हो जाएगा तब कहलाएगा, उतनी कालावधि को हम एक तिथि कहेंगे, ठीक। बात समझ में आ गई। अब प्रश्न यह है कि इसका निर्धारण कैसे किया, कथमिदं ज्ञातं यत् सूर्या चंद्रमशोः प्रतिद्वादश भागमितांतरेण तुल्यं चांद्रं दिनम् इति प्रश्नः इति 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 विचिकित्सा। तो अब उसके विषय में कह रहे हैं, उसको कैसे समझा रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि देखिए, व्यवहार में हम दो चीजें जानते हैं। पहला क्या जानते हैं? अमावस्या हुई पंचांग में, उसके बाद 30 तिथि बाद हमको दोबारा अमावस्या दिखेगी, यानी अमावस्या से अमावस्या के बीच में 30 तिथियां हो जाती हैं। नंबर एक बात, ये पंचांग से कोई सामान्य व्यक्ति भी पंचांग से इस बात को जान सकता है। अब दूसरी बात, तो ये तो हुई आपने पंचांग में देखा कि इसमें 30 तिथियां बीत गई। अब आकाशीय स्थिति का विचार कीजिए, तो होता यह है कि अब इस अमावस्या को जो हमने पंचांग में लिखा, इसको आकाश में, जैसा मैंने कहा कि आकाशीय स्थिति क्या है कि एक ही धागे में दोनों के दोनों गुथे हुए से मणि के समान अगर हो जाएं, तो उसे ही हम अमावस्या की स्थिति कहते हैं। यानी दोनों के दोनों सूर्य और चंद्रमा, यह जो खगोलीय पिंड हैं, ये दोबारा कब एक ही धागे में मणि के समान दिखेंगे, यह बात हुई। तो उसका उत्तर हुआ कि अमावस्या को दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अमावस्या यानी दर्श सूर्येन्दु संगम, दर्श अर्थात अमावस्या को सूर्य और इंदु का संगम होता है, यानी जब सूर्य और इंदु का संगम हो, सूर्य और चंद्रमा एक समान एक ही धागे में गुथे हुए से दिखें, वैसी स्थिति दोबारा जब होगी उसे ही अमावस्या कहते हैं, ठीक। तो आकाशीय स्थिति भी हमने जानी, क्या कि अमावस्या किसे कहते हैं? अमावस्या कहते हैं जब सूर्य और चंद्रमा की युति हो, और हमने ये पंचांग में देखा कि एक युति से दूसरी युति के बीच में 30 तिथियां हो रही हैं, तब अब यहाँ गणित लगेगा। ये आकाशीय स्थिति भी हो गई, पंचांग में भी हमने देख लिया, अब आगे का कार्य गणित करेगा, गणित से साधन होगा। कैसे? तब ये कहा जाएगा कि अगर एक युति से दूसरी युति होने में 30 तिथियां लगती हैं, ठीक, तो एक युति से दूसरी तिथि में अंशात्मक अंतर कितना हुआ?
अंशात्मक अंतर है 360 अंश का। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में अंशात्मक अंतर है 360 अंश का, है कि नहीं है? इसको सीधे ही समझ लें भाई, जब दोनों बिंदु फिर चलते हुए, जब पिंड चलते हुए फिर एक ही स्थान पर आ जाएं तो वो एक ही बिंदु पर मिले तो उसे 360 अंश हो गया। तो यह जो सूर्य और चंद्रमा, यह जो खगोलीय पिंड हैं दो, इन दोनों खगोलीय पिंडों की पुनः युति होने के लिए 360 अंश का अंतर होना चाहिए, ठीक। तो जो युति है, इसीलिए त्रिकोणमिति की भाषा में जिसे हम युति बोलते हैं, शून्य अंश बोलते हैं, यानी दो खगोलीय पिंडों के बीच में अंतर नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं, उसे ही हम 360 अंश भी बोलते हैं, उसे ही हम 720 अंश भी बोलते हैं, ठीक। तो यानी कि एक स्थान से चले यहाँ से घूमते हुए 360 अंश, फिर तो अभी ये दोनों हो गए, तो ये शून्य कह लीजिए इसको, और फिर यहाँ से चले घूमते हुए फिर यहाँ आ गए, तो फिर ये 360 अंश हुआ। तो दोनों युतियों दो युतियों के बीच में 360 अंश का कोणीय अंतर हुआ। अब गणित क्या लगी कि 30 तिथियों में यदि यह कोणीय अंतर 360 अंश का है तो एक तिथि में कोणीय अंतर कितना होगा? तो बस हो गया कि 30 तिथि में 360, तो एक में 360 बटे 30, तो 30 तीन का भाग दे दीजिए 360 36 में, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, 360 बटे 30 ये बराबर होता है 12, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ गया ये 360 बटे 30, अब इसको कैसे दिखाएं, ये दिखा कुछ, खैर सामान्य गणित है, 360 बटे 30 कर दीजिए, यानी 3 12 3 36, तो अंश का अंतर हो जाएगा, यानी कि एक तिथि में कोणीय अंतर 12 अंश का हुआ, ठीक, बात समझ में आ गई। 30 तिथियों में सूर्य और चंद्रमा, यानी कि में अंतर 360 अंश का होता है, तो एक तिथि में सूर्य और चंद्रमा के बीच में अंतर 12 अंश का होगा, ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसी बात को इन्होंने कहा कि रविन्द्रो हो युते है संयुतरियावत अन्या विधोर मास इति भास्कर उक्ति है। भास्कर की उक्ति भी यही है, भास्कर क्या कह रहे हैं, रविन्द्रो युते है, रवि और इंदु की युति से संयुति ही यावत अन्या संयुति ही भवती, रवि और सूर्य की युति से, इंदु की युति से, एक युति से दूसरी युति जब होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विधोह मास चांद्रमास इति भास्कर उक्ते है। अतः अमांतात अग्रे तयो हो 12 भागांतरांशम यावत प्रतिपत्ति ही। इसलिए जैसे ही अमावस्या से आगे, जैसे ही इन दोनों सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 अंश का अंतर हुआ, प्रतिपद नाम की तिथि संपन्न हो गई। फिर 24 अंशम यावत द्वितीया, फिर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में 24 अंश का अंतर हुआ तो द्वितीया तिथि संपन्न हुई। और जब यदा अंतरांशाः 180 अंशमिता, जब इनके बीच में अंतर 180 अंश का था तो क्या हो गया, पूर्णिमा बीत जाएगी। और 192 अंश यावत कृष्ण प्रतिपदा एवं यदा तयोः अंतरांशमानं 360 अंशम तदा अन्यः अमान्तः इति त्रिंशत् तिथिभिः ऐन्दवः मासः उक्तः। इस प्रकार से 30 तिथियों के द्वारा चांद्रमास कहा गया। मुझे लगता है कि इन चांद्रमास में इससे अधिक कुछ कहना बार बार पिष्टपेषण होगा, लेकिन अगर आप में से किसी को कोई शंका होगी तो उसको टिप्पणी में लिखेंगे तो उस पर फिर दोबारा बात कर ली जाएगी। अब आगे तो कहा कि ऐंदवः तिथिभिस्तद्वत् संक्रांत्या सौर उच्यते। संक्रांत्या सौर इति, कि संक्रांति के द्वारा सौर मास के द्वारा सौर मास कहा जाता है। अब उस संक्रांति को क्लियर कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि ग्रह केंद्र बिंदो हो राशि प्रवेश कालस्य नाम संक्रांति ही इति सर्वेषाम अपि ग्रहाणाम भवति। कि ग्रह संक्रांत्या सौर उच्यते, कहा ना
कि संक्रांति के द्वारा सौर मास होता है। अब देखिए, दो की परिभाषाएं अलग हैं और इन दो की परिभाषाएं अलग हैं। सावन दिन में स्पष्ट कहा कि 30 सावन दिनों से सावन मास। नक्षत्र दिन में भी क्या कहा, 30 नक्षत्र दिन से नक्षत्र मास। लेकिन जब चांद्र मास और सौर मास की बात आई तो वहां यह परिभाषा इस प्रकार से नहीं कही गई है, बल्कि किस प्रकार से कही गई है कि 30 तिथियों के द्वारा चांद्र मास है। तो अब वहां तिथि को उन्होंने क्या कहा, तो तिथि को उन्होंने व्याख्यायित किया कि सूर्य और चंद्रमा की गतियों का अंतर जब 12 अंश का होगा तब एक तिथि हो जाएगी, यानी अमावस्या से अमावस्या तक जब 360 अंश का अंतर होगा उतने में 30 तिथि होगी, उसे ही हम एक चांद्र मास कह देंगे। ठीक। अब सौर मास की जब बात की तो उन्होंने कहा, फिर उसका खगोलीय लक्षण कहा, क्या कहा कि संक्रांत्या सौर उच्यते, संक्रांति के द्वारा ही सौर मास होगा। तो संक्रांति का, अब तो अभी संक्रांति क्या है, तो इस संक्रांति को व्याख्यायित करते हैं कि ग्रह केंद्र बिंदो हो राशि प्रवेश कालस्य नाम संक्रांति ही। ग्रह के केंद्र बिंदु के राशि में प्रवेश काल को संक्रांति कहते हैं। जब ग्रह का केंद्र बिंदु किसी राशि में प्रवेश करेगा तो उसे हम संक्रांति कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेष राशि है, है यहाँ कहाँ से कहाँ तक मेष राशि है, तो मेष राशि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है मेष राशि। ठीक। अब इस मेष राशि में और ये हो गया हमारा ग्रह, तो ये ग्रह यहाँ से चलना आरंभ किया और ऐसे होते 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 जब इसका, अब देखिए ग्रह तो जैसे ही यहाँ आएगा इसका यह वाला हिस्सा संक्रांति, ये मेष के आदि बिंदु पर, या मेष का आदि बिंदु है, इस मेष के आदि बिंदु पर टच कर जाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि यह जो ग्रह है इसका जो ये केंद्र बिंदु है, यह केंद्र बिंदु जब इस राशि के, यह राशि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखिए इसको मैं लिखे देता हूँ ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक। यहाँ से यहाँ तक लिखे देता हूँ, ये ए पॉइंट हो गया और ये हो गया बी पॉइंट। इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मेष नामक राशि है। अब इस मेष राशि का आरंभ ए पॉइंट से हुआ, समाप्ति बी पॉइंट पे हो रही है, तो ए पॉइंट पर जब इस ग्रह का केंद्र बिंदु आएगा यानी सेंटर पॉइंट आएगा तब हम उसे संक्रांति कहते हैं। ठीक। तो क्या कहा उन्होंने कि ग्रह केंद्र बिंदु हो, ग्रह की केंद्र बिंदु का राशि प्रवेश कालस्य नाम, ग्रह के केंद्र बिंदु, ग्रह केंद्र बिंदु हो राशि प्रवेश कालस्य नाम, ग्रह का जो यह केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु, यह केंद्र बिंदु जब राशि में प्रवेश करेगा तो उसे हम संक्रांति कहेंगे। ठीक। इति सर्वेषाम अपि ग्रहाणां भवति। लेकिन तब फिर प्रश्न हुआ कि भैया सर्वे अपि, सर्वे खलु ग्रहाः राशौ राशिं प्रविशन्ति खलु, तर्हि तत्तु सर्वेषां ग्रहाणां स्यात्, अतः यह संक्रांति तो सभी ग्रहों की होगी, कि सर्वेषाम अपि ग्रहाणां भवति, परंच स्नानदानादिषु सूर्यस्यैव संक्रांति ही प्रयुज्यते। लेकिन स्नानदान इत्यादि के लिए सूर्य की ही संक्रांति का प्रयोग करते हैं। ठीक। रवेस्तुताः पुण्यतमाः इत्युक्ते हे, क्यों, क्योंकि रवि का उतना पुण्यतमत्व है। ठीक। रवि के ही पुण्य, राशि में परिवर्तन, अब देखिए हालांकि प्रत्येक ग्रह का राशि में परिवर्तन होता है, यानी प्रत्येक ग्रह राशि में, सभी राशियों में चलते हैं, ठीक है ना, लेकिन सूर्य जब राशि बदलता है तो सूर्य की राशि बदलने से क्या होता है, ऋतु चक्र परिवर्तित होता है, होता है ना, तो साक्षात वातावरण में भी परिवर्तन हुआ और उस वातावरण से प्रकृति से, प्रकृति हम स्वयं उस प्रकृति से संबंध है हमारा साक्षात, इसलिए सूर्य के का राशि में संक्रमण हमको अभीष्ट है। ठीक। क्योंकि वह हम पर साक्षात, हम पर और संपूर्ण प्रकृति पर प्रभाव डाल रहा है उसका राशि संक्रमण। ठीक। इसीलिए उसका पुण्यतमत्व कह दिया, क्योंकि वह सर्वाधिक प्रभावशाली है, इसलिए उसके उसका पुण्यतमत्व कह दिया।
तो रवेस्तुताः पुण्यतमाः इत्युक्तेः। अतः संक्रांति शब्दात सूर्य संक्रांतेरेव ग्रहणं भवति। इसलिए संक्रांति शब्द से किसका ग्रहण होगा? केवल सूर्य संक्रांति का ही ग्रहण होगा। चंद्र संक्रांतेः, मंगल संक्रांतेः, अन्य ग्रह संक्रांतेः ग्रहणं न भवति। यद्यपि सर्वे ग्रहाः राशिं क्रामन्ति, राशिं संक्रमन्ति, किंतु संक्रांति शब्दात सूर्य संक्रांतेरेव ग्रहणम् इति भावः। यह कहना है इनको, ठीक। तो तया संक्रांत्या, उस संक्रांति सौरः, सौरो मास उच्यते, सौर मास कहा जाता है। एतदुक्तं भवति सूर्य केंद्र बिंदोः। इसलिए फिर क्या कहा कि सूर्य केंद्र बिंदोः प्रथम राशि प्रवेश कालात अन्य राशि प्रवेश कालम यावत एकः सौरः मासः। सूर्य का केंद्र बिंदु जब एक प्रथम राशि में प्रवेश करेगा तो प्रथम राशि प्रवेश कालात अन्य राशि प्रवेश कालम यावत। तो सूर्य का केंद्र बिंदु जब यहाँ प्रथम राशि में प्रवेश करेगा, यहाँ से लेके और यहाँ सी पॉइंट है, ये वृष राशि है। देखिए, जब ऐसे स्थिति होगी कि सूर्य का जो यह केंद्र बिंदु है, यह केंद्र बिंदु ए से लेके बी तक यह मेष राशि है, इस प्रथम राशि प्रवेश, और यहाँ से बी से लेके सी तक वृष राशि है। तो जब प्रथम राशि प्रवेश, सूर्य का केंद्र बिंदु यहाँ हुआ और फिर उसके बाद द्वितीय राशि में प्रवेश यहाँ होगा, तो प्रथम राशि प्रवेश कालात द्वितीय राशि प्रवेश कालम यावत एकः सौरः मासः। तो सूर्य का एक राशि में प्रवेश से दूसरी राशि में प्रवेश का जो समय है वही एक सौर मास कहलाएगा। तथा तस्य त्रिंशत्तमो भागः, इस तस्य अर्थात तस्य सौर मासस्य, उस सौर मास का जो त्रिंशत्तम भाग होगा, तीसवां हिस्सा होगा। तो सौर मास जब कह दिया तो उसका तीसवां हिस्सा एक दिन हो जाएगा। तो तस्य त्रिंशत्तमो भागः, तीसवां हिस्सा एक दिन क्यों होगा? क्योंकि परंपरा है, क्यों बोला उन्होंने कि तत्त्रिंशता भवेन मासः, कि 30 के द्वारा एक मास होता है। तो जब 30 के द्वारा एक मास होता है पहले ही कह दिया, तो वह 30 क्या है? वह 30 का मतलब 30 दिन की ना बात की है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही ग्रहण करना पड़ेगा कि त्रिंशत्तमो भाग, कि तस्य त्रिंशत्तमो भागः, उसका तीसवां हिस्सा। तस्य कस्य? सौरमासस्य। सौरमासस्य त्रिंशत्तमो भागः, अर्थात तस्य उस सौर मास का तीसवां हिस्सा। सैव तस्यैव सौर दिनमिति संज्ञा, उसी का सौर दिन यह संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। यतः प्रतिराशिम त्रिंशद अंशाः भवन्ति, इसको भी कह दिया है कि प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं, है? तो जब अच्छा अभी देखिए इसको कहने से क्या मतलब है कि रवे, तो उसको कहा कि त्रिंशत्तमो भागः रवे रेकांश भोग कालः, रवि के एक अंश भोग काल को हम एक दिन, एक सौर दिन कहेंगे। रवे है एकांश भोग कालः, रवि के द्वारा एक अंश का भोग जितने समय में किया जाए वही एक सौर दिन कहलाएगा। ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं क्योंकि प्रति राशिम त्रिंशद अंशाः भवन्ति, प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं। एक यहाँ से राशि आरंभ हो रही है मेष और यहाँ के समाप्त हो रही है, इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक 30 अंश हैं, और इस 30 अंश को करने में, यानी इस मेष के आदि से वृष के आदि में जाने में उसे 30 दिन लगते हैं। तो इस 30 दिनों का मैंने एक मास कहलाता है, तो उसके 30 टुकड़े कर दीजिए तो एक एक टुकड़ा एक एक दिन हो जाएगा। तो 30 टुकड़े ये जो हुए, ये 30 टुकड़े तो ये 30 अंश के भी हो गए ना, क्योंकि यहाँ से एक राशि से दूसरे राशि तक 30 अंश होता है, इसलिए एक दिन बराबर एक अंश हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए सौर दिन कितना बोला कि एक रवे है एक अंश भोग काल है एकम सौरम दिनम इति उच्यते। फिर क्या कहते हैं? अथ वर्षम आह, अब वर्ष कह रहे हैं कि मासैर द्वादश भिर वर्षम, अब ये तो क्लियर है कि 12 महीनों के द्वारा वर्ष होता है। अथ वर्षम मास जातीयमेव, अब यहाँ वर्ष को जो है मास की जाति का समझना चाहिए। मतलब कि अगर हम नक्षत्र वर्ष की बात कर रहे हैं तो नक्षत्र मास से ही नक्षत्र वर्ष समझें, और अगर हम सौर मास की बात कर रहे हैं तो सौरैर मासै ही सौरम वर्षम, नक्षत्र मासै ही नक्षत्रम वर्षम, चांद्रमासै ही चांद्रम वर्षम, सावनमासै ही सावनम वर्षम इति अवगंतव्यम इति भावः।
ठीक। परंच दिव्यंतदः इत्यत्र सौरवर्षमेव, लेकिन जब आगे कहा कि मासैर द्वादशभिर्वर्षम दिव्यं तदः उच्यते, जब यहाँ दिव्यं बोला कि दिव्यं तत् अहः उच्यते, कि तत् का मतलब वहाँ क्या है, तो तत् का मतलब हम किसका ग्रहण करें, जब बोला उन्होंने कि मासैः द्वादशभिर्वर्षम, 12 मासों के द्वारा एक वर्ष समझना चाहिए, तो आपने तो बोल दिया कि भाई 12 चांद्र मासों के द्वारा चांद्र वर्ष, तो तत् चांद्र वर्षम उत द्वादशभिः नक्षत्र मासैः नक्षत्रम वर्षम तन्नक्षत्रम वर्षम, अत उत द्वादशभिः चांद्रमासैः एकम चांद्रवर्षम तत् चांद्रवर्षम, अथवा द्वादशभिः सौरमासैः एकम सौरवर्षम तत् सौरवर्षम। तो यहाँ कहते हैं कि ना ना, न तो चांद्रवर्षम, न तो नक्षत्रवर्षम, न तो सावन वर्षम, प्रत्युत सौरवर्षम तत् इति कथ इति पदेन सौरवर्षस्य ग्रहणम्, अतः करोतु इति भावः। तो दिव्यं तत् अहः उच्यते, कि तत् अर्थात सौरवर्षम दिव्यम अहः, दिव्यम दिनम उच्यते, एक जो सौरवर्ष है वो एक दिव्य दिन कहलाएगा। दिव्य दिन मतलब दिव्यम का क्या अर्थ किया, तो दिव्यम देवानाम ध्रुवस्थानाधोवर्तिनाम, तो देवानाम अर्थात कि ध्रुवस्थान के नीचे रहने वाले, उनको उन्होंने बोला दिव्य देवा, उन वो उनके संबंधित जो है वह दिव्य हो गया। अहः दिनम अहोरात्रम इति भावः, 12 सौर मासों का एक देवताओं का एक अहोरात्र एक दिन होता है, यह कहना चाहते हैं। ठीक, अब इसकी उपपत्ति कहेंगे। तो अब देखिए, कहते हैं कि दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने तमी तमोहंतुर दर्शने सती, कि दिनम दिनेशस्य यतः अत्र दर्शने। देखिए, एक मैं पुनः बोल दे रहा हूँ कि ये अध्येतारः सन्ति ते तत्वामृत भाष्यम आदाय उपविष्टाः भवेयुः, यतो हि पंक्तिशः अध्ययनम तत्वामृत भाष्यस्य भवति, अतः तत्वामृत भाष्यम आश्रित्य अवलंब्य एव अत्र व्याख्यानं विधीयते। उसी लिए मैं तत्वामृत की एक एक पंक्ति को कह रहा हूँ यहाँ। तो दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने तमी तमोहंतुर दर्शने सती, कि दिनेशस्य दिनम यतः अत्र दर्शने, दिनेशस्य यतः अत्र दर्शने दिनम इति भावः, कि दिनेश अत्र यानी कि इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ दिनेशस्य दर्शने, यदा दिनेशस्य दर्शनम भवति तदा खलु दिनम इति भावः कथनस्य, कि दिनम दिनेशस्य यतः अत्र दर्शने तमी तमोहंतुः अदर्शने सति। तमोहंतुः अर्थात तमः हन्ति, तम का जो नाश करता है ऐसा तमोहंता, उसके षष्ठी एकवचन में तमोहंतुः अर्थात सूर्यस्य, तो तमोहंतुः सूर्यस्य अदर्शने सति, सूर्य के अदर्शन हो जाने पर, सूर्य के नहीं दिखाई देने पर तमी रात्रि ही, ये दिन और रात्रि की परिभाषा है। दिन और रात्रि की परिभाषा क्या कही, तो कहा कि दिनेशस्य यत्र दर्शनम, यत्र अर्थात यदा, यदा दिनेशस्य दर्शनम तदा दिनम, यदा दिनेशस्य अदर्शनम तदा रात्रि इति भावः सामान्यतया। अब ये मत कहिएगा कि मेघाच्छन्न हो गया तब भी तो दिन का दिनेश का आदर्शन हो गया, चाहे ग्रहण में भी तो दिनेश का आदर्शन होता है, नहीं नहीं सामान्य बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने यतः यतो ही यस्मात् कारणात् अत्र अस्मिन् समये दिनेशस्य दर्शनम भवति यतः दिनम एवं तमोहंतुः अदर्शने सति, तमोहंतुः सूर्यस्य अदर्शने सति तमी अर्थात रात्रि इति दिनरात्रि परिभाषया क्षितिजोर्ध्वस्थे रवौ दिनम। क्षितिज से ऊपर जब सूर्य आएगा तब दिन होगा, यही तो कहा जाता है ना। दिन का मतलब क्या हुआ, तो ये तो बोल दिया कि दिन दिनेश का जब दर्शन हुआ, तो दिनेश का दर्शन कब होगा, तो दिनेश का दर्शन तब होगा जब मेरा ये क्षितिज है और उस क्षितिज के ऊपर ऐसे कोई भी वस्तु यहाँ है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ये ऊपर आएगी, ये मेरा क्षितिज मान लीजिए, क्षितिज से जैसे ही ये ऊपर आएगी मुझे दिखने लगेगी। तो उन्होंने यही कहा कि क्षितिजोर ध्वस्थे रवौ, क्षितिज से ऊपर
क्षितिज और ध्वस्थे, क्षितिज से ऊपर रवौ सति सप्तमी है कि क्षितिज से ऊपर सूर्य के होने पर दिनम। क्षितिजोर ध्वस्थे रवौ, क्षितिज से ऊपर सूर्य के होने पर दिन होता है और क्षितिजाद धस्थे रवौ रात्रि, और क्षितिज से जब नीचे चला जाए तो क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। ठीक, तो अब मैं इस जो मैंने दिखाया हाथ से, अब मैं इसको बदल देता हूँ। मैं जो मेरे नेत्र के ठीक सामने है इसको मैं ले लेता हूँ कि यहाँ से सूर्य जब ऊपर आएगा इस क्षितिज से तो मुझे दिखाई देगा, और जब ऐसे होते 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 इस क्षितिज के जब नीचे चला गया तो दिखाई देना बंद हो गया। ठीक, तो क्षितिज के नीचे गया तो क्षितिजाधस्थे रवौ रात्रि ही, और क्षितिजाद ऊर्ध्वे रवौ दिनम। ठीक, तो क्या कहे, क्षितिजं च स्वखस्वस्तिका सुखस्वस्तिका बिंदोः नवत्यंश चाप व्यासार्धेनोत्पादितं वृत्तम्। अब क्षितिज किसे कहा, तो क्षितिज के लिए उन्होंने कहा कि स्वखस्वस्तिका बिंदोः, हमारा जो स्वखस्वस्तिका बिंदु है, तो स्वखस्वस्तिका बिंदु किसे कहा, तो स्वखस्वस्तिक का मतलब सीधे सीधे समझिए कि आपके खोपड़ी के ठीक ऊपर, ये हमारा खस्व, हमारा स्वखस्वस्तिका हुआ, और ऊर्ध्व उसे कह ख बोल दिया है तो ख स्वस्तिक, तो ऊर्ध्व ही मान लीजिए कि ऊर्ध्व ख स्वस्तिक, ऊर्ध्व स्वस्तिक, तो ये हमारा जो ये है कपाल, इसके ठीक ऊपर यह ख स्वस्तिक हो गया, इस ख स्वस्ति स्व ख स्वस्तिक बिंदु हो, यहाँ एक ख स्वस्तिक बिंदु हुआ, इससे 90 अंश का हम एक चाप ऐसे गिराएंगे। ठीक, और इस चाप को गिरा के इसी को चारों ओर ऐसे हम चला देंगे अपने, हैं ऐसे पीछे भी चला जाएगा, तो इस प्रकार से यह जो बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, क्षितिज वृत्त बोलेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई, तो ठीक है ना, तो जैसे ये मान लीजिए है, तो अब इसमें यहाँ है कोई व्यक्ति इस जगह रह रहा है, तो इसका ये पृथ्वी, ये भूगोल मान लीजिए, ये भूगोल है, यहाँ एक व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का ख स्वस्तिक ये हुआ, यह बिंदु हुआ है, इतना ऊंचा करने के बजाय छोटा ही लीजिए, ये मान लीजिए ये इसका हो गया ख स्वस्तिक, इस व्यक्ति का यहाँ जो रह रहा है भूगोल पृथ्वी पर, ये इसका ख स्वस्तिक हुआ, तो इस ख स्वस्तिक से 90 अंश, 90 अंश कहाँ हो जाएगा, 90 अंश इधर हो जाएगा, ये देखिए ये व्यक्ति है, 90 अंश ये यहाँ इस जगह, और इसी को चारों ओर घुमा देंगे तो एक क्षितिज वृत्त बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या बोला, स्वखस्वस्तिकात नवत्यंश चाप व्यासार्धेनोत्पादितं वृत्तम क्षितिज वृत्तम। ठीक, तो कह रहे हैं कि देवानाम क्षितिज वृत्तम नाडी वृत्तमेव, जो देवताओं का जो क्षितिज, तो क्षितिज वृत्त की चर्चा क्यों की, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि क्षितिजोर्ध्वस्थे रवौ दिनम, क्षितिज से ऊपर जब सूर्य आएगा तो दिन होगा। अब आश्चर्य की बात यह है कि भाई ऐसा कौन सा क्षितिज है ऐसे मैंने देवता का कि उसका उसको साल भर हमारे हमारा जो वर्ष होता है उस वर्ष भर उसको सूर्य दिखता है, ऐसा कैसा क्षितिज हो गया उसको, उस वर्ष भर उसको उस माने 6 महीने उसको सूर्य दिखता है और 6 महीने सूर्य नहीं दिखता है, यानी कहें कि वर्ष भर में उसका 24 घंटा होता है, जितने देर में हमारा 24 घंटा होता है तो हमारा जो 24 घंटा और देवताओं के 24 घंटे में अंतर कितना है कि हमारे 24 घंटे के हिसाब से जो 360 दिन या 365 दिन मान लीजिए, तो उतने देर में देवताओं का एक 24 घंटा होता है, यानी एक अहोरात्र होती है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि तेषां खस्वस्तिकानुकल्प ध्रुव बिंदोः नवत्यंश चाप व्यासार्धेनोत्पादितत्वात्। तब जिज्ञासा क्या हुई कि देवताओं का क्षितिज वृत्त क्या है, क्योंकि उनके क्षितिज वृत्त से ऊपर सूर्य के आने पर दिन होगा, तो उनका ऐसा कौन सा क्षितिज वृत्त है जो हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे क्षितिज वृत्त से तो सिर्फ 12 घंटे ऊपर रहता है और 12 घंटे नीचे चला जाता है, देवताओं का ऐसा कौन सा क्षितिज वृत्त है कि उनको उनके क्षितिज से ऊपर ऊपर आया और फिर क्षितिज के नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आने में उसको 360 सौर दिन लग जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि देवताओं का जो क्षितिज वृत्त है वो नाडी वृत्त है। कैसे देवताओं का क्षितिज वृत्त नाडी वृत्त हुआ, तो उन्होंने ये कहा
कि देखिए देवता रहते हैं ध्रुवों पर। अब मान लीजिए ये है धरती, ठीक। अब इस धरती को थोड़ा देखिए, यह धरती को अभी हम 23.5 अंश झुका नहीं रहे हैं, हम धरती को अभी स्थिर रखते हैं, ऐसे सीधे रखते हैं। तो अब ये और हम धरती को स्थिर रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये हिस्सा है मेरा, इसको मैं एक ध्रुव मान लूँगा और इसको दूसरा ध्रुव मान लूँगा, ठीक ठीक है ना। और अब धरती को हम 23.5 अंश नहीं झुकाएंगे, अभी सीधे ही समझिए। तो अब देखिए कि ये जो है पृथ्वी, इस पृथ्वी का एक ध्रुव किधर हुआ, एक ध्रुव ये हुआ, इसे और इसे हम दक्षिण मान लेते हैं, ठीक। तो उत्तर ध्रुव और ये हो गया दक्षिण ध्रुव। तो जो व्यक्ति उत्तर ध्रुव पे रह रहा है उसका क्षितिज कहाँ होगा, इसको हमें समझना है। तो हम क्या करेंगे, उत्तर ध्रुव के पर चले जाएं, क्योंकि हमको हमने क्योंकि क्या परिभाषा है कि खस्वस्तिका अनुकल्पत ध्रुव, खस्वस्तिका 90 अंश चाप व्यासार्धम वृत्तम क्षितिज वृत्तम। तो अब उनका खस्वस्तिक क्या है, तो ध्रुव बिंदु है। तो अब हमको खस्वस्तिक पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से धरती के ऐसे ऐसे चलूँ और यहाँ चलते चलते हम ध्रुव पर पहुँचूँ, मैं पहुँचूँ। तो ध्रुव पर जब मैं ऐसे पहुँचूँगा तो यानी मैं ऐसे हो गया, अब ये हो गया, मैं यहाँ ध्रुव पर आ गया। तो ध्रुव पर जब मैं आ गया तो ध्रुव इनका खस्वस्तिक क्या हो गया, ध्रुवस्थान वाले का ये ध्रुव तारा, ठीक। तो तेषाम खस्वस्तिकानुकल्प ध्रुव बिंदु, खस्वस्तिक के उनका जो खस्वस्तिक है उसके अनुकल्प, उसका उसके उसकी कल्पना आप कहाँ करते हैं, यहाँ ध्रुव बिंदु पर। ध्रुव बिंदु यहाँ है, ध्रुव तारा यहाँ है, तभी तो इसको ध्रुव स्थान बोल रहे हैं आप। तो ध्रुव जब आप यहाँ चले जाएंगे, बात समझ में आ रही है ना भाई, ये हो गया पृथ्वी, पृथ्वी पर अब ये पृथ्वी को हम 23.5 अंश झुकाए नहीं हैं, हम सीधे रखे हैं, और पृथ्वी पर हम बीच से चलना आरंभ करते हैं और हम चलेंगे ये उत्तर ध्रुव पर, हम पहुंचेंगे, हम उत्तर ध्रुव पर पहुंच गए। तो उत्तर ध्रुव पहुंच गए तो अब ऐसे आ जाइए ना, उत्तर ध्रुव पर आ जाइए। अब उत्तर ध्रुव पर जब आए हम, तो उत्तर ध्रुव का यह हो गया स्वखस्वस्तिक, और इससे जब हम 90 अंश गिराएंगे तो यहाँ गिरेगा, और इसी के चारों ओर हम एक वृत्त बना देंगे। यही वृत्त क्या हो जाएगा, ये वृत्त क्या है, ये वृत्त वस्तुतः भूमध्य वृत्त है ना, ये भू है। तो ये भू का आधा हिस्सा यह गोलार्ध, ये उत्तर अगर मान लीजिए तो इसे उत्तर गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध। इस पृथ्वी को अगर हम दो हिस्से में काट देवे तो इसे ही तो हम क्या बोलते हैं, भूमध्य वृत्त। कहाँ पे, जो पृथ्वी के ठीक बीच से होकर जाए, इसे आप भूमध्य वृत्त बोलते हैं, इसी को इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर लाइन इज अ लाइन दैट इक्वेट्स अर्थ इंटू टू, जो कि अर्थ को दो भागों में, बराबर भागों में बांट दे। तो यह जो इक्वेटर है यानी कि भूमध्य वृत्त है, जिसे हम विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, जिसे हम नाडी वृत्त कहते हैं। तो यह जो नाडी वृत्त है, विषुवत वृत्त है, भूमध्य वृत्त है, यह भूमध्य वृत्त कैसे हुआ, तो ये देखिए अभी बनाए देते हैं भूमध्य वृत्त। ये पृथ्वी का आधा हिस्सा, ये आधा अर्धकपालिए ये जोड़ दीजिए, ये हो गया भूमध्य वृत्त, ठीक। अब इस भूमध्य वृत्त को ही, यही भूमध्य वृत्त जो है ये क्या हो जाएगा, यही जो भूमध्य वृत्त है ये इस ध्रुव पर रहने वाले का क्षितिज वृत्त है। यहाँ जो रह रहा है इसका ये क्षितिज वृत्त है। कैसे क्षितिज वृत्त हुआ वो मैंने आपको बताया, हैं क्यों, क्योंकि कि जहाँ आपका खस्वस्तिक है, ये खस्वस्तिक हो गया, इस खस्वस्तिक ध्रुव पर, हमको ध्रुव का क्षितिज वृत्त जानना है ना, तो ध्रुव का क्षितिज वृत्त जानने के लिए हमको ध्रुव तक जाना पड़ेगा, तो हम ये ध्रुव तक चले गए। अब यहाँ हम ध्रुव पे जब गए तो यहाँ से 90 डिग्री, अब यहाँ से खस्वस्तिक देखिए, तो यह इसका खस्वस्तिक हुआ ध्रुव पर जब रहने वाले का, और यहाँ से 90 अंश का हम चाप गिराएंगे और इसको चारों ओर घुमा देंगे। तो ये जो घुमा, ये किस पे घुमा, ये इसी विषुवत वृत्त पर घूमा। इसीलिए यह विषुवत वृत्त जो होता है ये ध्रुव पर रहने वाले का क्षितिज वृत्त है। तो जिस प्रकार से यह क्षितिज वृत्त उत्तर ध्रुव स्थान वाले का है, उसी प्रकार ये दक्षिण ध्रुव स्थान वाले का है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव से भी यही स्थिति बनेगी, भाई ये दक्षिण ध्रुव है, इस दक्षिण ध्रुव से 90 अंश का चाप गिराइए और यहाँ मिला दीजिए, चाहो एक वृत्त बना दीजिए, तो यह फिर क्षितिज वृत्त बन जाएगा। तो यानी इससे यह जो क्षितिज वृत्त है, इस क्षितिज वृत्त से, यह जो क्षितिज वृत्त है ना, यह जो क्षितिज है, इस क्षितिज से जैसे ही ऊपर सूर्य आएगा, यहाँ ये ऊपर आएगा तो दिखेगा, ये इस क्षितिज वृत्त से जैसे ही ऊपर सूर्य आएगा दिखना आरंभ हो जाएगा, है। और फिर जब इसके
क्षितिज से नीचे चला जाएगा तो इसको दिखना बंद हो जाएगा। यह दक्षिण ध्रुव पर रहने वाला व्यक्ति है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको ध्यान रखिए, यह दक्षिण ध्रुव पर रहने वाला व्यक्ति है। इसका यह क्षितिज वृत्त कौन सा हुआ? नाडी वृत्त हुआ। तो नाडी वृत्त पर जब यहाँ सूर्य नाडी वृत्त से जैसे ही दक्षिण की ओर चलेगा, तो नाडी वृत्त से दक्षिण की ओर कब चलता है? जैसे ही तुला में आ जाता है नाडी वृत्त से दक्षिण में चलने लगता है। से लेकर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मीन तक ये 6 महीने तक जो सूर्य है ये इस नाडी वृत्त के दक्षिण में हो गया, दक्षिण गोलार्ध में रहा। तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 6 महीने इसको जिस दक्षिण ध्रुव पर रहने वाले को के लिए सूर्य का दर्शन हुआ, इसलिए इसका 6 महीने का दिन हो गया। और जब इसके नीचे चला गया तो इसके लिए रात्र हो गई। तब दिन किसके लिए हुआ? तब फिर ऐसे आ जाइए, ये देखिए ये नाडी वृत्त है आपका, हैं। अब इस नाडी, यह धरती हो गई, इस धरती का यह नाडी वृत्त हो गया। और फिर इसके लिए कर लीजिए, ये उत्तर गोलार्ध वाले के लिए, तो उत्तरी ध्रुव वाले के लिए फिर यही क्षितिज वृत्त है, यही क्षितिज वृत्त है। तो इस क्षितिज वृत्त से जैसे ही सूर्य यहाँ होगा, इससे जैसे ही ऊपर आएगा, तो नाडी वृत्त से जैसे ही ये आगे बढ़ा, यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तक इस उत्तर ध्रुव पर रहने वाले व्यक्ति को यह दिखेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि नाडी वृत्त से उत्तर में है। तो नाडी वृत्त से उत्तर में होने के कारण 6 महीने नाडी वृत्त से 6 राशियां उत्तर में है, 6 राशियां मेष वृष मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तब तक यहाँ जो उत्तर ध्रुव में रह रहा है इसके लिए सूर्य आराम से दिखाई देगा, इसलिए इसका 6 महीने तक दिन रहेगा। और फिर इसकी 6 महीने की रात्रि हो जाएगी, तब 6 महीने का दिन किसका हो जाएगा? तब 6 महीने का दिन इनका हो जाएगा, ठीक, इनका हो जाएगा 6 महीने का दिन। बात समझ में आ गई? इसी बात को ये कह रहे हैं, पंक्ति देख ली जाए तो कहते हैं कि तेषां खस्वस्तिकानुकल्प ध्रुव बिंदोः 90° चाप व्यासार्धेन उत्पादितत्वात् नाडी वृत्तमेव क्षितिज वृत्तम्। उनका जो क्षितिज वृत्त है, उनका मतलब किनका? उत्तर ध्रुवस्थानाधोवर्तीनाम, उत्तर ध्रुव निवासीनाम, दक्षिण ध्रुव निवासीनाम वा क्षितिज वृत्तम नाडी वृत्तमेव। तो तस्माद् उत्तरे संचरति भास्वती, जैसे ही उसके उत्तर में, तस्मात अर्थात नाडी वृत्तात् उत्तरे, नाडी वृत्त से जैसे ही उत्तर में, ये नाडी वृत्त है इसको हमने उत्तर माना, तो नाडी वृत्त के, मान लीजिए यहाँ पे नाडी वृत्त में हमने मान लिया, क्या माना यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमने मेषादि माना, तो मेषादि से जैसे ही इधर सूर्य गया, नाडी वृत्त, ये नाडी वृत्त है ना, तो नाडी वृत्त से जैसे ही क्या बोला इन्होंने कि नाडी वृत्तात उत्तरे, ये मैंने उत्तर ध्रुव बोला था तो इसे उत्तर दिशा में चलेंगे आप, तो नाडी वृत्तात उत्तरे संचरति भास्वती, जैसे ही उत्तर में भास्कर का संचरण होगा तो उस उत्तरे संचरति भास्वती किम भवति, यानी सायन देवानाम दिनम, देवताओं का दिन होता है, रवे है क्षितिजो परिस्थितत्वात्, रवि जो है उनके क्षितिज के ऊपर हो जाता है इस कारण से। और नाडी वृत्तात दक्षिणे सायन तुलादि राशि षटके, नाडी वृत्त से दक्षिण में, इस नाडी वृत्त से, ये नाडी वृत्त से उत्तर का हिस्सा हुआ, नाडी वृत्त से दक्षिण का हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा होगा। तो नाडी वृत्त से दक्षिण में जैसे ही, इस तुला से जैसे इधर आएगा, ऐसे इधर आना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से तुला, वृष, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो ये 6 महीने ये उत्तर में, दक्षिण में रहा। तो नाडी वृत्ता दक्षिणे सायन तुलादि राशि षटकेतु तेषां रात्रि रवेः क्षितिजाधस्थितत्वात् अतो 12 सौरमासाः सौरवर्षमेकं देवानाम् अहोरात्रम् उचितमेव। इसलिए 12 सौरमासों का सौरवर्षमेकम, एक जो सौरवर्ष कहा वो देवताओं का अहोरात्र कहा गया, यह उचित ही कहा गया, क्योंकि परिभाषा दी है कि क्षितिजोर्ध्वस्थे रवौ सति दिनम, तो यतो ही उत्तर ध्रुवनिवासिना दर्शन सूर्य तेषां क्षितिजात् अध ऊर्ध्वम ऊर्ध्वंगतः षण्मासं यावत् भवति, अर्थात षट्सु राशिषु यदा सूर्यस्य संक्रमणं सूर्य मेषात् आरभ्य कन्यांतं यावत्
सूर्यस्य गमनं यदा भवति तदा क्षितिजात ऊर्ध्वं केषां कृते उत्तर ध्रुवस्थानादो वर्तिनां कृते अतः तेषां कृते दिनं किञ्च तदेव तत्समकालिकमेव उत्तर ध्रुवस्थानादो वर्तिनां रात्रि क्योंकि उनके जो क्षितिज है उस क्षितिज से भी नीचे है इसलिए यह क्षितिज है क्षितिज से तो इधर नहीं दिखेगा ना तो इसलिए इनके लिए रात्रि हो जाएगी इनके लिए जब दिन होगा इनके लिए तो इनके लिए रात्रि हो जाएगी और जब सूर्य का तुला से गमन इधर होगा तब इसको दिखाई नहीं देगा उत्तर ध्रुव वाले के लिए इसलिए छः महीने के लिए जब इनके लिए दक्षिण ध्रुव वालों का जब दिन होगा तो उत्तर ध्रुव वाले की रात्रि हो जाएगी। परंच अयन गते ज्ञानात अपि प्राचीन ही मास ही द्वादशभिर्वर्षम दिव्यम तदह इति। लेकिन अब यहाँ एक सूक्ष्म बात कह रहे हैं कि अयन गति जो अयनांश की गति है अयन गते है ज्ञानात हैं और अपि प्राचीन ही मास ही द्वादशभिर्वर्षम दिव्यम तदह इति तथा रवेश चक्र भोगोर्क वर्षम प्रदिष्टम द्युरात्रम तु देवासुराणाम तदेव इति यन्निरयण वर्षमेव दिव्यम दिनम अभाषी तत्र केवलम परमम स्वल्पांतरस्य त्याग एव कारणम। ठीक मैंने सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ निर्यण वर्ष आपने श्लोक में लिखा हुआ है सायन वर्ष की बात नहीं की है तो उसका निराकार कर रहे हैं तो ये कैसे पता चला कि सायन वर्ष की बात नहीं की है निर्यण वर्ष की भाई सीधे वर्ष कहा है निरुपाधिक है निर्विशेष है तो उसको आप निर्यण ही मानिए जब सोपाधिक रहता उसमें एक उपाधि विशेष लगा दे विशेषण लगा देते तब वो सायन हो जाता तो इन्होंने कहा कि भाई वहाँ सायन वर्ष की बात नहीं की है तो इसको उत्तर में दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्वल्पांतर से त्याग ही इसमें कारण है और कोई कारण नहीं है। यतः वर्षे अयन गते उत्पन्न काल घटिका तो भी अल्प क्योंकि एक वर्ष में अयन गति से जो उत्पन्न काल है वो एक घटी से भी अल्प होता है और दिव्यमान अमूर्तत्वम और दिव्यमान से वो कितना होगा भाई जब अयन की गति से एक घटी का अंतर आ रहा है तो एक घटी हमारे लिए बहुत हो जाएगी लेकिन जो क्या कहते हैं आपके लिए भले 24 मिनट हो गया एक घटी लेकिन जो आपका 24 मिनट है वो देवताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण। सायन निर्यण की चर्चा इन्होंने नहीं की कहा कि वहाँ सायन निर्यण की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके लिए जो 24 घटी है जब आपका एक दिन उनका कोई महत्व नहीं रख रहा है वहाँ तो 360 दिन जाके 24 घंटा हो रहा है तो एक दिन के 24 का जो 60वां हिस्सा यानी एक घटी जितना अंतर अगर आ रहा है उस अंतर को हम दिव्य दिन के प्रसंग में क्यों हम उसकी बात करें इसलिए सायन और निर्यण के वर्ष की यहाँ प्रसंग लाना उचित नहीं है यह उन्होंने समाधान दिया। अब क्या कहते हैं कि सुरासुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्यजात तत्षष्टिः षड्गुणा दिव्यम वर्षमासुरमेव च कि सुराणाम तो अब देखिए अब तो हमने उदाहरण से ही प्रयोग में ही समझ लिया कि भाई जब इसका दिन होगा उत्तर ध्रुव वाले का जब दिन होगा यानी कि मेष से लेके कन्या तक जब रहेगा तब इसका दिन रहेगा तो इसकी रात हो जाएगी क्योंकि इसके क्षितिज से इधर है और जब इसका दिन रहेगा यानी तुला से लेके मीन तक तब इसको दिखेगा क्योंकि इसके ठीक क्षितिज के ऊपर है लेकिन इसके क्षितिज के नीचे होने के कारण से इनके लिए रात्रि हो जाएगी यानी परस्पर है अन्योन्य विपर्यय है यानी कि जब एक की दिन तो दूसरे की रात्रि जब दूसरे का दिन तो पहले वाले की रात्रि। ठीक तो सुरासुराणाम सुराणाम असुराणाम च अन्योन्यम परस्परम विपर्ययात अहोरात्रम विपर्यय से अहोरात्र होता है तत्षष्टी ही और फिर आगे जो है प्रसंग दूसरा कह दिया उन्होंने तत्षष्टी। अच्छा उसका मान भी बता रहे हैं कि तत्षष्टी षड्गुणा दिव्यम वर्षमासुरमेव च है ना कि मानुष सौर वर्ष ही एकम दिव्यम अच्छा वो अब दिव्य वर्ष की बात कर रहे हैं तो दिव्य वर्ष की बात कर लेंगे पहले इसको कह लिया जाए इसके टीका को हमने विषय तो समझ लिया है लेकिन टीका को समझ लेते हैं। सुराणाम उत्तर ध्रुवस्थानाधो वर्तिनाम कि उत्तर ध्रुवस्थान के नीचे रहने वाले और असुराणाम दक्षिण ध्रुवस्थानाधो निवासिनाम
अन्योन्यम परस्परम विपर्ययात व्यत्यासतः अहोरात्रम भवति। इनका विपरीत से अहोरात्र होता है, दिन और रात होता है। यानी यद देवानाम दिनम सा दैत्यानाम रजनी, जो देवताओं का दिन है वो दैत्यों की रात्रि है। याच देवानाम रजनी तद असुराणाम दिनम, और जो देवताओं की रजनी यानी रात्रि है वही असुरों का दिन हो जाएगा। तत षष्ठी ही इति, अगली पंक्ति को कहते हैं तत् षष्ठी षड्गुणा दिव्यम वर्षमासुरमेव च। तत् षष्ठी, तत् का मतलब तेषाम अहोरात्राणाम षष्ठी, साठ तो दिव्य अहोरात्राणाम, जो देवताओं का जो देवानाम असुराणाम वा यद अहोरात्रम वर्तते सौ एक सौर वर्ष प्रमाणात्मकम, सौरवर्षैक प्रमाणात्मकं किं वर्तते देवानां अथवा असुराणां एकम अहोरात्रं, तेन अहोरात्रमानेन यदा षष्ट्यधिक त्रिशतं दिनानि भवन्ति अहोरात्राणि भवन्ति, यानी कि जब देवताओं का 360 दिन होंगे, ठीक, यानी हमारे 360 वर्ष, भाई हमारा एक वर्ष बराबर उनका एक दिन, तो हमारे 360 वर्ष बराबर उनके 360 दिन, तो 360 दिन जब उनके हो जाएंगे तो उनका एक वर्ष हो जाएगा। यानी देवताओं के एक वर्ष होने के लिए सौर वर्ष कितने होने चाहिए, 360 वर्ष, ठीक। तो 360 सौर वर्षों का एक दिव्य वर्ष हो जाएगा। तो 360 को कैसे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं षष्ठी ही षट गुणा, 60 जो है उसको 6 गुणा कर दीजिए, तो 6 6 36, तो 60 गुणे 6 यानी 360, तो 360 देवासुरा अहोरात्राणि सौरवर्षाणि वा। इसलिए क्या बोला, देव असुर अहोरात्र कहिए और चाहे उसको सौरवर्ष कहिए, 360 360 सौर वर्ष बोलिए और चाहे 360 देवताओं का चाहे असुरों का अहोरात्र बोलिए, बात एक ही है। दिव्यम देव संबंधी तदेव असुरम असुर संबंधी च वर्षम भवति, 360 मानुष सौर वर्ष ही एकम दिव्यम आसुरम च वर्षम भवति इति वाच्यम, ऐसा समझना चाहिए। अत्रोपपत्ति ही, अब इसकी उपपत्ति कह देते हैं, तो कहते हैं क्षितिजोर्ध्वस्ते रवौ दिनम क्षितिजाधस्ते च रात्रि इति पूर्व श्लोकोपपत्ता उक्तमेव। क्षितिज से ऊपर रवि के होने पर दिन और क्षितिज से नीचे रवि के होने पर रात्रि, यह पूर्व श्लोक की उपपत्ति में कह दिया गया है। अथ सौम्य याम्य ध्रुवद्वय स्थानाधो निवासिनाम, सौम्य यानी उत्तर और याम्य यानी दक्षिण, तो सौम्य और यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो ध्रुवद्वय स्थानाधो निवासिनाम देवानाम, इन दोनों ध्रुवद्वय के नीचे रहने वाले अर्थात तो देवानाम असुराणाम च क्षितिजम विश्वद वृत्तम इति, तस्मात उत्तरे उस विश्वद वृत्त से, यह जो विश्वद वृत्त है इस विश्वद वृत्त से, इस विश्वद वृत्त से क्या बोला, तस्मात उत्तरे अर्थात सायन मेषादिमारभ्य सायन कन्यांतम यावत, कि सायन मेष से आरंभ करके, यहाँ सायन मेष से हमने आरंभ किया और सायन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, तो सायन कन्यांतम यावत भवृत्ते संचरति सूर्य, भवृत्त में जब सूर्य का संचरण होता है तो देवानाम दिनम सूर्यस्य क्षितिजोर्ध्वगतत्वात्, क्षितिज से ऊपर जाने में, क्योंकि क्षितिजम तावत नाडी, अतः तो दैत्यानाम तदा रात्रि ही सूर्यस्य क्षितिजाधोगतत्वात् स्यात् एवं विश्वद वृत्तात् दक्षिणे अर्थात सायन तुलादिम आरभ्य, और विश्वद वृत्त से जब दक्षिण हो जाएगा तो विश्वद वृत्त से दक्षिण यानी कि दक्षिण भाग, तो सायन तुला से आलम करके तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, तो ये जो विश्वद वृत्तात् दक्षिणे अर्थात सायन तुलादिम आरभ्य सायन मीनांतम यावत् भवृत्ते भ्रमति भास्करे यदा सूर्यस्य भ्रमणं भवति एतेषु षट्सु राशिषु तदा देवानां रात्रिः सूर्यस्य तत्क्षितिजाधोगतत्वात्, इन देवताओं के या जो देवता हैं इनके क्षितिज से अधः होने के कारण इनका रात्रि हो गई। दैत्यानां तदा दिनं सूर्यस्य तत्क्षितिजोर्ध्वगतत्वात् अथ च मानुषवर्षवत् स्वमानैः 360 दिनैः दिव्यासुरवर्षम्, ये हो गया। देख तो ये जो उपपत्ति थी, यह उपपत्ति क्या कह, वही जो विपर्य से जो अन्योन्य विपर्य से जो अहोरात्र हो रही है उसी को कहने के लिए उन्होंने कहा, जिसकी बात हमने पहले भी कह दी थी। अब मेरे हिसाब से आज का प्रकरण यही समाप्त करते हैं। श्वः इदम् एकं मया वक्तव्यं वर्तते।
कि नाक्षत्र दिनं सौर दिनं इति मया आभाषि। वस्तुतः नाक्षत्र दिनं सौर दिनं च उत सावन दिनं एतेषां कः भेदः, एतेषां अंतरं किम्, इसके बारे में भी अस्मिन् विषये अपि श्वः कथयिष्यते। एकं चित्रं प्रदर्श्य श्वः सौर नाक्षत्र सावन दिनेषु किम् अंतरं, पारिभाषिकं नैव उच्यते, पारिभाषिकं तु भवता ज्ञातं, किन्तु यत् कथं तस्य अंतरस्य ज्ञानं कथं भविष्यति, कथं इदं ज्ञातुं शक्यते इति तेषु यद् अंतरं विद्यते खलु तद् विषये श्वः चर्चा विधीयते मया। अस्तु, विरम्यते मया। धन्यवादाः सर्वेभ्यो, प्रणमामि इति शम्।